हेलो एंड वेलकम बैक टू Gaadiwaadi.com। दोस्तों अब हम लेकर आए हैं एक डिटेल्ड वॉकराउंड वीडियो टाटा सियारा कॉन्सेप्ट का। थोड़ी देर पहले हमने इसका एक वॉकराउंड वीडियो डाला था, बट भीड़ काफ़ी थी। दोस्तों अब इसके डोर्स भी ओपन कर दिए गए और हम आपको दिखाएंगे गाड़ी कैसी दिखाई देती अंदर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीछे की। दोस्तों टाटा सियारा कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया 2020 ऑटो एक्सपो के दौरान। दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है ये गाड़ी। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रियर जो टेल लाइट्स हैं उनको नहीं लगाया गया है, सिर्फ एक LED स्ट्रिप को लगाया गया है सेंटर के अंदर, जो काफ़ी स्टाइलिश दिखाई दे रही है। दोस्तों सियारा की बेजिंग मिली है इसको बूट डोर के ऊपर। उसके अलावा जो स्किड प्लेट है पीछे वाली वो काफ़ी स्टाइलिश रखी गई है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हुक मिला है इसको फ्रंट में और रियर के अंदर। दोस्तों टाटा सियारा में जो एक सिग्नेचर डिज़ाइन है वो दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप साइड से देखेंगे तो जो इसका सी पिलर है, ये जो सिग्नेचर डिज़ाइन था टाटा सियारा का, सेम उसी डिज़ाइन को इस कॉन्सेप्ट के अंदर उतारा गया है। थ्री डोर कॉन्सेप्ट है ये, ड्राइवर को ड्राइवर, उसके अलावा एक डोर मिला है इसको लेफ्ट साइड के अंदर। इस साइड में आपको सिर्फ एक डोर मिलने वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। और प्रोडक्शन वर्जन इस गाड़ी का शायद ड्राइवल करेगा ह्यूंडई क्रेटा किया सेल्टोस को। 15 से 16 लाख रुपये के आसपास के सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है अगले आने वाले 2 से 3 सालों के दौरान। 18 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। और बात करें इंटीरियर कैसा है इस गाड़ी का, तो दोस्तों लेफ्ट में जाना होगा उसके लिए। साइड से देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, पीछे से काफ़ी स्टाइलिश बनाया है इस गाड़ी को। और लेफ्ट साइड में मिले हैं इस गाड़ी के अंदर 2 डोर्स, एक है स्लाइडिंग और उसके अलावा एक जो नॉर्मल डोर आता है किसी भी गाड़ी के अंदर वैसे लगाया गया है। दोस्तों कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बात करूँ अगर आपको, तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी लाजवाब रखा गया है सियारा कॉन्सेप्ट का। रेक्टेंगुलर लगाया है स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन वर्जन इस गाड़ी का बिल्कुल अलग आने वाला है। हालांकि इंटीरियर के अंदर जो झलक है सेम वैसी झलक आपको इसके प्रोडक्शन वर्जन के अंदर दिख सकती है। काफ़ी बड़ा एक टैबलेट लगाया गया है डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे सामने, और छोटा सा गार्डन लगाया गया है, क्या कारण है वो तो मुझे नहीं पता, बट दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप सीट्स को रोटेट भी कर सकते हैं और पीछे एक लॉन्च बनाया है पूरा का पूरा। दोस्तों फुल ग्लास लगा है इसमें रूफ। पीछे अगर आप देखेंगे तो टाटा सियारा के सेम अंदर सेम लगभग ऐसा ही डिज़ाइन आता था और वैसा ही आपको मिलने वाला है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्शन वर्जन में हल्की फुल्की जो झलक है वो नज़र आ सकती है इस कॉन्सेप्ट की। 2 से 3 सालों के बाद इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जाएगा प्रोडक्शन वर्जन के अंदर। सीट्स को आप रोटेट कर सकते हैं इस लीवर को पुल करके। वाइट कलर का इंटीरियर लगाया गया है, ब्लैक कलर के डोर्स हैं, डोर ट्रिम है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पीकर लगाया गया है, वुडन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया इस कॉन्सेप्ट के अंदर। दोस्तों पूरा जो फ्लोर है इसका वो वुडन फ्लोरिंग है। लगेगा नहीं कि आप गाड़ी के अंदर हैं, आपको लगेगा कि आप किसी लग्जरियस घर के अंदर बैठे हैं, ऐसा इंटीरियर बनाया है इस कॉन्सेप्ट का। दोस्तों जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है, अगर इसका 20-30% भी कैरी फॉरवर्ड करती है कंपनी इसके प्रोडक्शन वर्जन के अंदर, तो टाटा मोटर्स के पास में एक और हिट प्रोडक्ट है। और जो इसका सिग्नेचर डिज़ाइन है ये तो एटलीस्ट कंपनी इसका बोरो करेगी इसके प्रोडक्शन वर्जन के अंदर, जो सियारा से इंस्पायर्ड रखा गया है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम भी सियारा रखा गया है। हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन नेम भी टाटा सियारा रखा जाए और इसको 2021 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप टाटा सियारा के अलावा टाटा HBX कॉन्सेप्ट की वीडियो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में यहाँ विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।